नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे ट्रिगर्स थे आज बाजार ओपन होने से पहले और सारे ट्रिगर्स को मिला जुलाकर बाजार ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा दी, लेकिन उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट को धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये ओवर रिएक्शन हो रहा है नेगेटिव साइड पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करता हुआ दिखा एंड फिर एक हाई लगाया और वहां पे भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, देख रहा है भैया लड़ रहे हैं बुल्स एंड बियर्स की किधर ले जाना है बाजार को। ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से ऑल इज गुड, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। और जो लोग कल ADR को 7-8% गिरता देख बिना बात बेफिजूल डर रहे थे, अब इंफोसिस का शेयर ओपन कर लीजिए और देखिए कितना टूटा है इंफोसिस का शेयर। क्या खराब है क्या अच्छा है ये चीज आपको समझनी होगी, केवल प्राइस के एक्शन या बिहेवियर से आप जज करते हो खबर को तो फिर तो पैसा बनेगा ही ना। अब मैं आपके साथ सिंपल और सरल भाषा में पहले ये शेयर कर देता हूं आज क्या होने वाला है। तो आज होने वाला है एक बड़ा एक्शन, देखिए रिजल्ट सीजन तो शुरू हो गया है, वो तो डेली बेस पे रिजल्ट आने ही आने हैं, लेकिन आज आपको ये नहीं भूलना है, आज तारीख है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर अपने आप में बड़ा दिन था, क्यों? क्योंकि आज अदानी ग्रुप पे फैसला आना है। तो अदानी ग्रुप के फैसले का इंतजार रहेगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट फेवर में देती है, क्या आंसर देती है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डिसीजन देती है या नहीं देती है या फिर अगेन तारीख ही मिल जाएगी, तो ये देखने वाली बात है। उससे पहले थोड़ा अदानी ग्रुप में प्रेशर जरूर आते हुए दिख रहा है, एक एक करके सारे अपडेट शेयर करता हूं। सबसे पहले निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे देखने को मिल रहा है आपको, सेंसेक्स 330 पॉइंट्स नीचे है और बैंक निफ्टी में लगभग 370 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है अभी। अगर एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो देखें, उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी सेंसेक्स आधे आधे परसेंट नीचे है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% नीचे होने को है, 0.8% डाउन है। बात करी जाए अगर रुपए की तो वहां पे आपको फ्लैटिशनेस कुछ ज्यादा खास है नहीं, छोड़ देते हैं। अगर बात करें एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की तो मतलब नेक टू नेक मामला चल रहा है, 970 शेयर्स पॉजिटिव है NSE पे और 930 शेयर्स नेगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ने वाले शेयर जा रहे हैं, बाकी नेक टू नेक आप कह सकते हैं, ये रेशो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक रियलिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 3-4 दिनों से कंटिन्यू लीडर बने हुए हैं और शेयर्स के प्राइस देखो DLF हो गया ना 520 वाला 570, 350 रुपए से शेयर कर रहा हूं, अंडर 500 रुपीज के, अंडर 5 शेयर जो मैंने शेयर करे थे अंडर 500 रुपीज में वहां पे DLF था 350 पे, आज 570 हो गया ये शेयर। ये आपको बताता है कन्विक्शन हो अगर अच्छे शेयर में और रोक सकते हो आप तो पैसा तो ऐसे ही बनता है, शेयर बाजार में उठा पटक करने में कुछ नहीं बनता। बात करी जाए गिरने वाले सेक्टर की तो वहां PSU बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे हैं आज मार्केट को गिरावट की, PNB PSB SBI के लिए एक डाउनग्रेड आ गया, जिसके बाद SBI जैसा दिग्गज 2% टूट गया है, बाकी देखा जाए तो कोई बड़ी गिरावट किसी स्टॉक में दिख नहीं रही है, कैनरा बैंक 2% है बट SBI बैंक के चलते PSU बैंकिंग सेक्टर नीचे आ गया है। IT जो आज सबके दिमाग में एक अलर्ट था, एक दिक्कत दिख रही थी, वहां 0.7% की गिरावट है इंडेक्स में और इंफोसिस लगभग 3% के करीब नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन HCL टेक उसके विपरीत 2.5% ऊपर है, नंबर भी बेहद शानदार थे हर एक पैमाने पे, इंफोसिस के भी नंबर अच्छे थे, बस थोड़ा गाइडेंस में कटौती, बट क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ नहीं रहा है, जिसमें सब कुछ सही चल रहा है, डील पाइपलाइन आ रही है, एक्चुअली मैंने आगे का समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आगे को लेकर चिंताएं है, ये इसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं। बाकी इस पे एक डिटेल वीडियो अगली वीडियो में बात करूंगा इंफोसिस के स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, बाकी जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता ही है मेरा व्यू क्या होने वाला है। और कुछ लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई IT कुछ कर नहीं रहा है, आप कह रहे हो ये स्टॉक खरीदो ना, उन्हें कराई क्या है, तो भैया ये बहुत बड़ा गलत सवाल पूछ रहे हो कि उन्होंने कराई क्या है, ये उनसे पूछो जिन्होंने 10-20 साल से होल्ड कराया इंफोसिस या TCS या फिर विप्रो जैसे स्टॉक को, पैसा क्या होता है वो उनसे पूछो कि कितना बना है कितना नहीं बना। ये जो 2-6 महीने की बात करके आप शेयर को खराब या अच्छा बोल देते हो ना, बहुत से लोग तो रिलायंस को भी खराब बोल देते हैं क्योंकि पिछले 6-7 महीने से कुछ नहीं करा है, लेकिन आप ऐसे किसी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी को तुरंत बेकार बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जो कंपनी आप खरीद रहे हो ना वो उतनी बड़ी बनेगी तब पता चलेगा आपको। तो मार्केट को समय दोगे तो पैसा जरूर बनाओगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, ITI रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 13% एक बार फिर भाग गया है, MMDC 11% और एजन वन अपने शानदार नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर है, HDFC AMC कंटिन्यू आप सभी के साथ शेयर करता रहा हूं कि भैया ये शेयर्स नहीं बेचने हैं, अब आज आपके लिए लगभग 5% ऊपर है, रिजल्ट्स आए थे कल ओपन मार्केट में, कल तो रिएक्शन नहीं आया लेकिन आज आ रहा है, बड़ा तंगड़ा आ रहा है। फेनाइक्स लिमिटेड लगभग 4.5% ऊपर होता हुआ दिख रहा है, टॉप लूजर्स में लिंडे इंडिया है, अदानी एंटरप्राइजेस है, इन्फोसिस है, चार्लेट होटल्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा है।
मोस्ट एक्टिव टर्नओवर के मामले में देखा जाए तो इंफोसिस लीड कर रहा है इस समय, 1181 करोड़ रुपीस का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है, अभी 10 मिनट का समय हो रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो 28 शेयर्स नेगेटिव है, जिसको लीड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, SBI। 22 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसको लीड कर रहा है HCL टेक, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, नेस्ले इंडिया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है आप सभी को आज के सेशन में, कहां कहां पे नजर रखनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। SJVN, इंजन वन, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, BGR एनर्जी सिस्टम, सन फार्मा, बैनको प्रोडक्ट्स, इंटीग्रा इंजीनियरिंग, 360 वेल्थ मैनेजमेंट, लुपिन, महिंद्रा लाइफ स्पेस, GMR एयरपोर्ट, टाटा मोटर्स, HCL टेक, इंफोसिस, पेनेसिया बायोटेक, डॉक्टर रेडी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो किसी ना किसी खबरों के दम पर आज आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं। अगर बात करी जाए आज के रिजल्ट्स पे तो फिर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं लाइक सोम डिस्टिलरीज, साइन सिल्क, डेन नेटवर्क एंड टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, गुजरात होटल्स, HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड आदित्य बिरला मनी। तो ये कुछ स्टॉक है जिनपे आपको आज फोकस करना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और सबसे पहले इंफोसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।